17 मार्च है, और आज जो स्टॉक के बारे में ओपिनियन लेके आया था वो था टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन में एक थोड़ा सा अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न आरएसआई में बन रहा था, और निफ्टी में भी कोई अच्छे खासे फॉलो करते हुए ऊपर, जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा था ये भी ऊपर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अब इसमें थोड़ी सी रुकावट आपको देखने को मिल सकती है टाइटन में। दो चीज इसमें श्योरिटी है कि निफ्टी को ये फॉलो करता है तो हो सकता है कि निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर जाने का ट्रेंड आपको दिख सकता है, लेकिन इसमें रिवर्सल श्योर शॉर्ट 200% नहीं, 500 1000% इसमें कंफर्म है, इसमें रिवर्सल तो होना है। अब देखते हैं कब होता है कैसे होता है। अभी जो 15 तारीख की क्लोजिंग हुई है 1097.25 पे, वह 10 पॉइंट ऊपर होके हुआ है। वॉल्यूम देखेंगे तो 53,18,600 जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इसका अभी करंट पीरियड में। इसका जो लो था 1082 था, हाई था 1113, और ये लगभग हाई की ओर ही क्लोज देता है। अगर प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करें तो जहां इसकी प्राइस वॉल्यूम 1101 पे क्लोजिंग होनी चाहिए थी वहां पे 1097 पे क्लोज हुआ है। तो पहला वॉल्यूम वेटेड एवरेज से यहां से निगेटिव चालू होता है इसका, 1101 के ऊपर क्लोज देता तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता कि जिस वॉल्यूम को हो रहा है उस वॉल्यूम पे और बाइंग हो रही है, यहाँ पे तो हर वॉल्यूम पे सेलिंग समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसको एक बार जाऊं यहाँ पे एनएससी पे जाऊं और यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम क्या है, तो देखेंगे जहाँ 19 लाख, 15 लाख, 27 लाख ये हो रहा था, 25 लाख, 21 लाख, यहाँ पे 15 मार्च को 53 लाख का वॉल्यूम हुआ, 53,18,000। और इसमें डिलीवरी देखिए तो 40% की डिलीवरी है, 21,43,000। तो प्राइस तो जंप कर जाना चाहिए, अगर आपका 20-25 लाख है और 53 लाख है तो प्राइस को तो इसको भाग जाना चाहिए, डबल से भागना चाहिए। लेकिन आप जब देखेंगे यहाँ पे तो आप देखिएगा वॉल्यूम तो इतनी अच्छी खासी वॉल्यूम हो रही है, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। आप देखिए इसके स्ट्राइक पर, ये देखिए स्पाइक यहां से, मतलब ये हाई लगाता है 1113 को और क्लोजिंग नीचे की ओर देता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप इस पैटर्न पे देखिए, तो ये देखिए यहां से ओपन तो होता है बट क्लोज ये अपने टॉप को नहीं दे पाता है, यहां पे क्लोज आकर के दे रहा है। तो जब वॉल्यूम इतनी है, इससे ज्यादा वॉल्यूम है, 11 लाख से तो ज्यादा वॉल्यूम है, 53 लाख है, 5 टाइम्स है, तो प्राइस में क्यों नहीं इसको बेनिफिट मिल रहा है। और यहां पे भी आप देखेंगे ये फॉल जो कंटिन्यू था, ये फॉल इस वॉल्यूम के बावजूद इसमें प्राइस में कुछ गेन नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं पे ये जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इसमें लगता है कि चालू है, और ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो सकती है। दूसरा अपने को कैसे समझ में आएगा ये, तो 1053 पे इसका मूविंग डेज का है, वो डेली बेसिस पे देखेंगे तो 1053 है, इस पे एक सपोर्ट है इसको, अगर ये इसको तोड़ता है तो 1016 की ओर जाएगा और फिर 9223 की तरफ जाएगा जो कि इसका 200 का डेमा है। अगर मैं इसको एक बार वीकली पैटर्न पे देखने की कोशिश करूं तो वीकली पैटर्न में भी देखेंगे तो ये 20 दिन का डेमा इसका 978 का है, तो एक 978 जो है, 1000 जो है, एक क्रूशियल लेवल है वहां पे इसको। तो ये ऊपर की ओर निफ्टी के ट्रेंड को फॉलो करते हो, जैसे निफ्टी देखिए यहाँ पे, देखिए आपका जो निफ्टी है ऊपर की ओर जा रहा था, तो ये भी देखेंगे उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। तो कहीं ना कहीं चूंकि निफ्टी में इतनी ह्यूज बाइंग आ रही थी तो इसके कारण यहाँ पे भी आपको टाइटन, ये टाइटन है, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, येलो कलर से जो दिख रहा है, ये निफ्टी है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में अगर प्राइस अप है तो ये भी उस कारण से इसको ऊपर की ओर गया है। बट जो डिलीवरी बेस वॉल्यूम है यहाँ पे 53 लाख के कंपैरिजन में आप जब देखेंगे और वॉल्यूम वेटेड एवरेज जब देखेंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं इस पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो समझना जरूरी है। अब ये प्राइस ट्रेंड को अगर मैं देखो एक ट्रेंड लाइन खींचू तो प्राइस ट्रेंड तो ऊपर की ओर जा रहा है और आरएसआई को देखो तो नीचे की ओर आ रहा है, तो प्राइस ट्रेंड के अपोजिट में आरएसआई जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक डायवर्जन क्रिएट हुआ है और जब भी ये डायवर्जन क्रिएट होता है तो 200% ये फॉल सिग्नल का होता है और ये आरएसआई को फॉलो करता है और ये नीचे जाता है। तो ये कहां तक जा सकता है, तो कहां तक जा सकता है, तो ये तो इसके लो को 50 पे तो जाना ही है इसको,
तो ये जो 50 बनाया था यहाँ पे, मीन्स ये पहला जो ये लेवल आ रहा है आपका 1012, लेकिन वो उसको भी उससे डबल के वॉल्यूम से नीचे जाएगा, मीन्स यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कहे तो आपको इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा वो, 998 तक, मैंने 1000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा वो। और पहले भी मैंने आपको बताया है इस लेवल पे, एक 700 के लेवल पे ऑलरेडी ये गैप अप है, इसका छोड़ के गया हुआ है, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन ये अपने गैप को भरने के लिए यहाँ पे आएगा, ये कभी ना कभी यहाँ पे गैप भरने के लिए आएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो जो अभी इसको जो सपोर्ट है 998 के पास, बहुत अच्छा सपोर्ट है, वॉच लिस्ट में रखिएगा। आरएसआई में रिवर्सल ट्रेंड है, आप देखेंगे आरएसआई शो कर रहा है, उल्टा शो कर रहा है प्राइस सेक्शन के, यहाँ पे भी एक इशू है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये 1000 की ओर आते हुए आपको दिख सकता है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव पे एक बार जाकर के देखूं, 28 मार्च 1098 की क्लोजिंग है, तो एट द मनी जाकर के देखो 1080, तो 1080 में अनवाइंडिंग हो रही है, मीन्स अब कहीं ना कहीं यहाँ से लोग जो भी इसमें कॉल पे थे वो बाहर निकल के जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन ऊपर की ओर नहीं हो रहा है, और 1120 पे तो बहुत बड़ा रेसिस्टर है 3,84,000 का, तो कहीं ना कहीं लोग कॉल की ओर से अनवाइंड करके पुट की ओर एडिशन अपने बना रहे हैं, और आप देखेंगे तो 1000 पे 2,250 का एडिशन होकर 2,22,000 है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 2,22,000, तो कहीं ना कहीं ये अब 1100 जो है क्रॉस करने इसको डिफिकल्ट होने वाला है, और नीचे इसको 1000 के पास अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो इस प्राइस, और 980 में भी आप देखेंगे तो 980 में प्राइस एक्शन से अभी बाहर निकल रहे हैं, 960 में नीचे की ओर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि टाइटन अभी एक बार 1000 की ओर जाते हुए दिखाई देगा। तो 1000 का जो भी पुट है वो आपको कितने रुपए पे मिल रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस 2.10 रुपया है, और इसको जाके डिटेल में देखें तो 28 मार्च को पुट जो 1000 रुपये का क्लोजिंग हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1% का है, और इसमें बाई है 66,000 और सेल सिर्फ 21,000, मीन्स पुट की ओर खरीदने के लिए लोग लाइन से लगे हुए। और आप देखेंगे तो हाई 3.10 का बनाया था, लो 1.60 का था, और 3.10 का हाई बनाया और वहां से 2.10 पे क्लोजिंग दिया, मीन्स अपर पे ही क्लोजिंग दे रहा है, तो एक अच्छी चीज है। 1000 के अलावा 1020 पे एक बार देख ले क्या हो रहा है, तो 1020 पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.1% है, यहाँ पे भी पुट की ओर पाएंगे, और एक बार 1080 पे देख ले क्या होता है, एट द मनी पे देखें तो, एट द मनी पे देखेंगे तो ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 96% है पुट की ओर, और ये पे 9 रुपया का इसका लो है और हाई बनाता है ये 18 रुपया का, और ओपन हुआ था 16 पे, क्लोजिंग दे रहा 12 के आसपास, तो ये मिड क्लोजिंग है, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है 97% है। तो अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 97% है और यहाँ बाइंग में ज्यादा क्वांटिटी खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये एक चेंज शिफ्ट दिख रहा है टाइटन में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आरएसआई में जो रिवर्सल हो रहा है ये दिख रहा है। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे एक इसको ये इस कैंडल को दिखाऊं, तो कहीं ना कहीं ये नीचे कैंडल की ओर बता रहा है, अगर इस कैंडल को देखने की कोशिश करूं, ये नीचे की ओर बता रहा है, और यहाँ हैमर कैंडल था ऊपर की ओर, ये ऊपर गया बट सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की ओर जा रहा है, तो ये एक ऊपर की ओर जाता हुआ, तो इसमें ऊपर की ओर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है आपको, तो जो इसने हाई बनाया 1113 का आप इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए ऊपर की ओर, और इसको हो सकता है ये शॉर्ट के लिए 1000 रुपये के लिए ये आपको जाते हुए दिख सकता है। अभी जो इसके करंट प्राइस मार्केट प्राइस है 1097, और अगर ये 1000 तोड़ता है तो आगे के लेवल आपको बताए हुए हैं कि जैसे जैसे तोड़ता है 978, और फिर 978 के बाद 907, और उसके नीचे तो एक बार जो उसका गैप अप है वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो सिंपल सा 1000 के बाद एक बार 907 के लेवल को भी ये टच कर सकता है, सिंस केवल अपसाइड जो भी गया है इसमें वो समझ में आ रहा है, चूंकि निफ्टी ऊपर जा रही है तो ये भी एक कहीं ना कहीं ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, बट जिस हिसाब से वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम में जिस तरह से तेजी दिख रही है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन में तेजी नहीं दिख रही है, और प्राइस एक्शन नीचे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो डिलीवरी पे हो रही है वो डिलीवरी पे सेलिंग हो रही है। तो टाइटन में थोड़ा सा एक कॉशियस ओपिनियन है,
और नीचे की ओर हो सकता है कि टाइटन आपको देखने को मिले, और ऐसे ही रिवर्सल है, डाइवर्जन दिखा रहा है, तो टाइटन में कहीं ना कहीं आप एक कॉशियस पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। ये मेरा एक सिर्फ इस पर ओपिनियन था, मेरा कोई एडवाइस नहीं है कि आप बाई करें सेल करें। पहले आप सीखें, पेपर ट्रेड करें और फिर मार्केट में अपना पैसे को लगाएं। अगर आपको लगाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही लगाएंगे। मेरा आपके पैसे पे कोई कंट्रोल नहीं है और है, और आपका लॉस गेन सिर्फ आपका हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।